तो चरखी दादरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कृषि संबंधित अध्यादेशों को लेकर स्थिति स्पष्ट की और कहा कि डंके की चोट पर मंडियों में ही फसल का दाना दाना खरीद ही होगा। इसके लिए मार्केट कमेटी के चेयरमैन की भी ड्यूटी लगाई गई है। फसल की MSP पर खरीद हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ चरखी दादरी में PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। धनखड़ ने कहा, जो विपक्षी अध्यादेशों को लेकर सरकार के साथ थे, अब वे राजनीति के चक्कर में फंसकर बेवजह हो हल्ला कर रहे हैं। सांसदों की कमेटी द्वारा किसानों से राय लेकर किसान संगठनों के साथ मिलकर केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले हैं, जिन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि किसानों की फसलें मंडियों में ही MSP रेट पर खरीदी जाएंगी। मंडियां आबाद रहें और 100% फसलों की खरीद हो, इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। धनखड़ ने कहा कि 25 सितंबर से मंडियों में ही बाजरा की सरकारी खरीदी शुरू होगी। बीजेपी किसानों के साथ अग्रणी खड़ी है। उनके साथ पूर्व विधायक सुखवेंद्र मांढी और प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी भी साथ थे। तो उन्होंने 3 स्थानों पर जाकर किसान संगठनों से अपनी राय ली। दोनों पक्ष आए, कुछ लोगों को शंका ज्यादा थी और वो शंका फैलाई गई, इसलिए मैंने पहले धड़ल्ले से इस बात को कहा कि मंडियों में खरीद होगी और हम किसानों की जो है मंडियों में MSP पे खरीद हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारे पूर्व जो चेयरमैन हैं, उनको भी मैंने ड्यूटी लगाई है कि मंडियों में खड़े होकर खरीद कर रहे हैं। इसलिए जो वहाँ पर गए, 8 मांगे मोटे तौर पर सब किसान संगठनों से बात होकर आई थी। उसमें 3 विषय ऐसे थे जो डायरेक्ट अध्यादेश से संबंध नहीं थे, जिनका संबंध जो है वो जैसे MSP जो का त्यों रहे, मंडी जो भी तो चलती रहे, डायरेक्ट पेमेंट्स हों, ऐसी बातें। बाकी जो विषय थे, 5 विषय, वो अध्यादेशों से संबंधित थे, वो भी पब्लिक डोमेन में आए हैं। हम खुद नरेंद्र तोमर जी को मिलके और वो सारे उनको दे आए थे और तोमर जी ने डंके की चोट पर कहा कि मंडी जो की तो चलेंगी, MSP जो का तो रहेगा, खरीद जो की तो होगी। और मैं भी कह रहा हूँ, इसलिए शुरुआत ही मैंने यहाँ से की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई एक एक दाने की खरीद करेंगे, हम किसानों की इस मांग के साथ हैं कि मंडी में खरीदो, MSP पे हो, और इसलिए वो उस मामले में बिल्कुल उसके पैरवी कर रहे हैं। प्रेस वार्ता से पहले OP धनखड़ ने शहर की अग्रसेन धर्मशाला में PM मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि देश में स्वदेशी अपनाने के लिए लोकल वोकल नारा दिया गया है। PM मोदी के जन्मदिन पर प्रेरणा लें कि स्वदेशी अपनाएंगे। और इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं के साथ शहर में दुकानदारों को कपड़े के थैले वितरित किए और साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निदान करवाएंगे। प्रदीप साहू, टोटल न्यूज़, चरखी दादरी।